सो फाइनली जेएनयू में हुई हिंसा की गुत्थियां धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं, जिसके तहत आज दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के 9 लोगों को दोषी पाया है, जिनमें 7 लेफ्ट के स्टूडेंट्स हैं और 2 एबीवीपी के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन पर क्या कार्यवाही होगी और कब कार्यवाही होगी। इससे पहले एक चीज़ और कंफर्म कर दें कि दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रूफ के साथ बकायदा वायलेंस करते हुए छात्रों के पिक्चर्स इशू की हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी तरह की कोई साजिश है। अब इसमें 2-3 बातों पर चर्चा किया जाना बेहद ज़रूरी है। पहली बात कि आयशी घोष, जिसे कि विक्टिम मानकर हीरो बना दिया गया था, उसका पर्दाफाश हुआ है। इन 9 में से एक नाम उसका भी है विथ प्रूफ। अब पहले इसी पर विचार किया जाना चाहिए कि इन लोगों की सोच, इनकी षड्यंत्र की जड़ें कितनी अंदर तक है। जो खुद नकाबपोश को लीड कर रही थी, वो विक्टिम बन सबकी सहानुभूति लेने लगी थी। ये वही आयशी घोष है जिसके साथ दीपिका पादुकोण हाथ जोड़े खड़ी थी और उसके इस साहसिक कदम के लिए उसे बधाइयां दे रही थी। इसके बाद बात करते हैं एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल की, जो लेफ्ट के इस पाप को धोने के लिए अपने हाथ तक गंदे करने में लगी है। राहुल कंवल अपने स्टूडियो में शो करते हैं और एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं, लेकिन ये सब कुछ दिखाने से पहले एक फिल्म के ट्रेलर की तरह खूब शोर शराबा, धूम धड़ाका, बैकग्राउंड म्यूजिक के शोरगुल, मतलब प्रोमो से माहौल क्रिएट किया गया। और फिर दिखाते हैं एक लड़के का कन्फेशन, जिसमें वो कबूल करता है कि वो वायलेंस में शामिल था, जिसे एबीवीपी का बताया जा रहा है, जो राहुल कंवल का कहना है। हालांकि ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि वो एबीवीपी से संबंध रखता है या उनके किसी प्रोग्राम का कभी वो हिस्सा रहा हो। इवन एबीवीपी ने भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इस लड़के का एबीवीपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल कंवल तो आज खुद की अदालत बनाकर बैठे थे, जिसमें वकील भी वो खुद है, जज भी वो खुद है और फांसी देने वाले जल्लाद भी वो खुद ही हैं। इस पूरे प्रकरण को इन्होंने उस वक्त चलाया जब सब जगह चर्चा इस बात की थी कि पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए 9 लोगों में 7 लोग लेफ्टिस्ट हैं, जिनमें एक आयशी घोष भी है। हर तरफ चर्चा इसी की चल रही है, लेकिन ये साहब तो अपनी अलग ही दुकान खोले बैठे हैं इस एक टेप को लेकर, जो कौन जाने सच है या फेक है। चलो फेक नहीं भी है तो ये लड़का जो कह रहा है वो सच है या इसके पीछे भी कोई साजिश है, इसकी क्या गारंटी है? ये सारा ड्रामा ये क्रिएट करते हैं ताकि किसी का ध्यान इस बात पर ना जाए कि 9 में से 7 लोग कौन हैं। इनके लिए इन 7 लोगों की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी पहचान इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल उन 2 पर फोकस करके बैठे हैं ताकि आयशी घोष को बचाया जा सके। जेएनयू हिंसा को लेकर जितने भी सवाल थे, जो भी कन्फ्यूजन था, वो अब दूर हो गया है और शायद और भी हो। लेकिन राहुल कंवल जिस तरीके से एक तरफा बात करते नजर आए हैं और लेफ्ट विंग को पूरी तरह से बचाते नजर आए हैं, वो निंदनीय है। मीडिया पक्षपात करती है ये तो कई बार देखा और सुना है, लेकिन इस हद तक चाटुकारिता करने लगी हो ये अब देखने को मिला है। आयशी घोष तो एक उभरती हुई एक्ट्रेस है, सीरियसली। 16 स्टिचेस लगने के बाद 2 दिन में कोई इतनी जबरदस्त रिकवरी कर ले तो ये अद्भुत है। अभी तो दिल्ली पुलिस ने केवल नाम उजागर किए हैं, अभी तो और भी परतें खुलेंगी, तब इस बात को लोग जरूर जानना चाहेंगे कि आयशी घोष की चोट कितनी गहरी थी, कब लगी थी और इतनी जल्दी रिकवरी कैसे होती है। इस पर भी डिस्कशन जरूर होगा, क्योंकि अगर वो इस पूरे हिंसा की मुख्य आरोपी साबित हो गई है तो उनके बाकी की एक्टिविटीज पर भी प्रश्न चिन्ह बनता है। आज जेएनयू केवल षड्यंत्रों का एक अड्डा बन चुका है, जो हर दूसरे दिन देशद्रोही गतिविधियों की वजह से चर्चा में बना रहता है। आखिर हर बार जेएनयू ही क्यों? यहीं पर कम्युनिस्टों की जमात क्यों है? जब कभी देश को नुकसान पहुंचाने की बात होती है तो ये लोग सबसे आगे क्यों मिलते हैं? दुर्गा माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना इन्हें क्यों अच्छा लगता है? सरकार के जिन फैसलों पर सभी सहमति दिखाते हैं, जिसे सब समझते हैं कि ये डिसीजन देश के लिए अच्छा है, उसमें इन्हीं लोगों को आपत्ति क्यों होती है? क्या बाकी के छात्र इस चीज को नहीं समझते हैं? जेएनयू की इस हिंसा ने एक बार फिर से इनकी पोल खोल कर रख दी है। आयशी घोष के ड्रामे के साथ साथ आज तो मीडिया में राहुल कंवल जैसे पत्रकारों के चेहरे से भी नकाब उतर चुके हैं। अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि इस षड्यंत्र की गहराई बहुत ज्यादा है और अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।